subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने इस यूट्यूब चैनल जीवन जीने की कला में। आइए आज के इस एपिसोड के माध्यम से हम सभी जानते हैं चोट मोच और अंदरूनी चोट से आपको कैसे आराम मिलेगा। बाहर जो चोट लगती है उस पर तो दवा लगा लेते हैं, लेकिन कई बार शरीर के अंदर भी चोट लग जाती है। बाहर से बस रेडिश हुआ रहता है लेकिन अंदर जख्म बन जाता है। अब उसे कैसे ठीक करेंगे ये आज के इस एपिसोड के माध्यम से हम सभी जानेंगे। किसी दुर्घटना का शिकार होने पर या किसी धारदार हथियार से कट जाने पर जब त्वचा से खून आने लगता है तो उसे चोट कहा जाता है। वहीं पर किसी उबड़ खाबड़ जगह पर चलने या गड्ढे में अचानक से पैर आने पर मोच या फिर अंदरूनी चोट आ जाती है। मोच आने से उस अंग पर सूजन आ जाती है और काफी दर्द होने लगता है। इस दर्द का सही तरीके से अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि यह दिखाई तो देता नहीं है लेकिन महसूस बहुत होता है। इसीलिए हमें मोच या चोट आने पर तुरंत इसे ठीक करने के लिए प्राथमिक उपचार करना चाहिए। चलिए इसीलिए आज के इस एपिसोड के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि इस स्थिति में कौन से घरेलू उपाय अपनाने चाहिए जिससे कि अंदरूनी चोट और मोच और सूजन से आपको राहत मिल जाए। सबसे पहले अगर आपको लकड़ी या पत्थर लगने से सूजन आई है तो इसके लिए आप हल्दी एवं खाने का चूना इन दोनों को एक साथ पीस करके गर्म कर लेना है और इसका लेप लगाना है या फिर इमली के पत्तों को उबालकर बांध दीजिए। इससे आपके पैरों की सूजन उतर जाएगी। इसके बाद कभी कभी कठिन व्यायाम करने पर भी अचानक से मोच आ जाती है। इसके लिए अरनी एक प्रकार का ये पौधा होता है, इसके उबाले हुए पत्तों को किसी भी प्रकार की सूजन पर बांध दीजिए। इससे काफ़ी आपको आराम मिलेगा। मोच या चोट के कारण यदि खून जम गया हो और गांठ पड़ गई हो तो बट के पेड़ के कोमल पत्तों पर शहद लगा करके आप जहां गांठ बंधी है वहां पर इसे बांध दीजिए। हर रोज रात को बांध करके सो जाइए, आपको अवश्य लाभ मिलेगा, गांठ खत्म होने लगेगी धीरे धीरे। आयुर्वेदिक औषधियों के साथ एक बात का ध्यान रखना होता है कि इन्हें थोड़े लंबे समय तक आपको इस्तेमाल करना होता है तो इनका ज़्यादा फायदा आपको नज़र आता है। तुरंत नहीं छोड़ना है कि आपने आज लगाया कल ठीक होगा, ऐसा आयुर्वेदिक औषधियों में बहुत कम होता है। बच्चों को खेलते समय मोच आ जाए तो मोच के स्थान पर चने बांध करके उन्हें पानी से भिंगोते रहें। जैसे जैसे चने फूलेंगे वैसे वैसे मोच दूर होती जाएगी। यह एक बेहतरीन इलाज है। मोच के कारण आई सूजन को दूर करने के लिए गुनगुने पानी में फिटकरी मिला करके चोट वाले हिस्से पर सिकाई करनी चाहिए। इससे भी चोट मोच दर्द में राहत मिलती है। इसके अलावा सीढ़ियों से अचानक मान लीजिए पैर फिसल जाए आपका, इसके कारण अक्सर लोगों को चोट और मोच आ जाती है, तो इस स्थिति में क्या करेंगे आप? सरसों और हल्दी को गर्म कीजिए और उसे मोच वाले स्थान पर लगा दीजिए और उस पर एरंड के पत्तों को रख करके पट्टी बांध दीजिए। हर रोज कर दीजिए कुछ दिन तक, आपको अपने आप आराम मिल जाएगा। सूजन में करेले का साग खाना काफ़ी लाभकारी माना जाता है। ये आपको शुगर से भी बचाता है लेकिन साथ ही साथ चोट मोच में ये बहुत ही गुणकारी औषधि के रूप में कार्य करता है। तो अगर आप इससे परेशान हैं, आपको चोट मोच लगी हुई है, पुरानी से पुरानी चोट है, तो उसको ठीक करने के लिए इनमें से कोई भी एक औषधि चुन लीजिए, आपको जो आसानी से उपलब्ध हो आपके पास, उसको आपको बताए हुए नियम के अनुसार हर रोज पालन करना है। आप तब तक करें इनका उपयोग जब तक कि आपकी चोट मोच ठीक न हो जाए। क्यों? क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, इसीलिए कोई डरने की आवश्यकता है नहीं। अगर आपका कहीं इलाज भी चल रहा है तो आप पेन किलर ही मैक्सिमम बाहर से लेते हैं, वो भी खाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और इनका उपयोग करते रहिए, आपको ठीक हो जाने का 100% चांस है। इसके अलावा कई बार क्या होता है, हमें चोट लग जाती है, बहुत तेज चोट लग जाती है और उस कंडीशन में समझ में नहीं आता है, मसल्स अंदर क्रैम्प कर जाती हैं, फट जाते हैं, तो उस स्थिति में आप सभी अगर होम्योपैथी की बात करें तो आर्निका ले सकते हैं, आर्निका। लेकिन ये जो है दवा होम्योपैथिक दवा है, इसको आपको फिजिशियन के सजेशन के बगैर नहीं लेना चाहिए, आपको सजेस्टेड जो फिजिशियन हैं उनके मदद से ही लेना चाहिए। लेकिन जो आयुर्वेदिक औषधियाँ हमने बताई उन्हें आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं स्किन पर, आपको बहुत ज़्यादा फायदा देंगी जहाँ भी मोच लगा होगा। तो यह आज का एपिसोड रहा। अब आपके मन में कोई भी स्वास्थ्य संबंधी सवाल है तो वो हमें लिख भेजें, हम उन टॉपिक्स पर भी आपके लिए वीडियोज अवश्य बनाएंगे। और साथ ही साथ आप सभी चैनल को पसंद करते हैं, इस बात की हमें खुशी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं तो और खुशी होगी। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि ऐसी
अन्य नई वीडियो जब भी हम लेकर के आए नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। अब मिलते हैं आप सभी से एक नए एपिसोड में नई तरह की जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्त।